नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड की नई डेट शीट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल माह में आपके पंचायती चुनाव होने हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा आपकी 24 अप्रैल से होनी थी, तो उनकी हटने की जो खबरें आ रही थी, तो उसको उस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो वहां से पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये आपकी जो परीक्षा है वो आपकी 8 मई से होनी है और ये लास्ट जो है वो 28 मई तक चलनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10th क्लास, यूपी बोर्ड 12th क्लास के एग्जाम डेट्स के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब, कौन सा सब्जेक्ट आपका किस डेट को है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, ये एग्जाम आपके 8 मई से स्टार्ट होने हैं और आपकी 28 मई तक ये एग्जाम चलेंगे, जिसके अंतर्गत आपके जो हाई स्कूल के एग्जाम है वो 25 मई तक चलेंगे और जो आपके इंटर के एग्जाम है वो 28 मई तक चलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन सी डेट को आपका कौन कौन सा एग्जाम है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2021 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम। तो देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम जो है वो आपका शनिवार 8 मई 2021 से स्टार्ट होने। इसके अंतर्गत जो एग्जाम है आपके 2 शिफ्ट में होने, आपकी प्रातः शिफ्ट 8 बजे से आपकी 11:15 बजे तक और आपकी जो दोपहर की शिफ्ट है वो आपकी 2 बजे से 5:15 बजे तक, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले 8 मई का जो एग्जाम है वो कौन कौन से होने। तो प्रातः शिफ्ट मतलब पहली शिफ्ट जो 8 से 11:15 बजे है, उसमें आपका हिंदी हाई स्कूल एग्जाम होना, हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। दोनों का एग्जाम हाई स्कूल का आपका 8 मई को पहली शिफ्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में जो है वो आपका इंटरमीडिएट का हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों का एग्जाम होगा, ठीक है। कहने का मतलब 8 मई को आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम है और दोनों ही हिंदी के एग्जाम है। अब बात करें 10 मई की, तो 10 मई में सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्रातः मतलब पहली शिफ्ट में 8 से 11:15 में, तो पहले जो आपका हाई स्कूल है उसमें आपका पाली, अरबी, फारसी इनका एग्जाम होना है हाई स्कूल में। उसके बाद इंटरमीडिएट में वो संगीत गायन, संगीत वादक और नृत्य कला, तो इसके 3 एग्जाम आपके इंटरमीडिएट के होने हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें तो हाई स्कूल में आपका संगीत गायन का एग्जाम है और इंटरमीडिएट में आपका सामान्य आधारित विषय का आपका एग्जाम है, जैसे कृषि सस्य विज्ञान या कृषि सस्य विज्ञान या आपका एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी मतलब प्रथम प्रश्न पत्र और षष्ठम प्रश्न पत्र, ठीक है, तो इनका एग्जाम होना है। उसके बाद बात करें 11 मई, ठीक है, तो 11 मई को सीधा सीधा आपका एग्जाम जो है वो पहली शिफ्ट में जो है आपका 8 बजे से हाई स्कूल में आपका गृह विज्ञान का है, ठीक है। और पहली शिफ्ट में आपकी भाषा का एग्जाम है, जैसे उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, आसामी, उड़िया, तो ये इतने एग्जाम हुआ इंटरमीडिएट का एग्जाम है। और दूसरी शिफ्ट की बात करें तो दूसरी शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। और आपका सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम वो है आपका बही खाता तथा लेखा शास्त्र, ठीक है, वाणिज्य वर्ग के लिए, और उसमें आपका इंटरमीडिएट का भूगोल का एग्जाम भी आपको 11 मई को ही होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट का। उसके बाद बात करें 12 मई में, तो 12 मई में पहली शिफ्ट में हाई स्कूल में आपका चित्रकला और रंजन कला का एग्जाम है और आपका इंटरमीडिएट में सैन्य विज्ञान का एग्जाम है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो आपका हाई स्कूल का कंप्यूटर का एग्जाम है 12 मई को और आपका इंटरमीडिएट में आपका गृह विज्ञान और व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार का पेपर होगा। उसके बाद बात करें हम 13 मई की, तो 13 मई को आपका जो है हाई स्कूल में होगा आपका पहली शिफ्ट में आपका संस्कृत मतलब 8 से 11:15 बजे आपका हाई स्कूल का संस्कृत का एग्जाम होगा, वहीं आपका इंटरमीडिएट का चित्रकला, आलेखन, चित्रकला, प्राविधिक और रंजन कला इसका एग्जाम इंटरमीडिएट का होगा। उसके बाद बात करें 13 मई के सेकेंड शिफ्ट की, तो 2 बजे से 5:15 बजे तक तो आपका हाई स्कूल का जो है वो संगीत वादन का एग्जाम होगा और आपका इंटरमीडिएट में आपका अर्थशास्त्र और वाणिज्य भूगोल का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें 17 मई की, तो 17 मई में आपका जो आपका प्रथम शिफ्ट है उसमें आपका अंग्रेजी का एग्जाम होगा और इंटरमीडिएट में आपका फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र आदि जो भी है आपके इसमें जो भी सब्जेक्ट है उनका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें 17 मई की सेकंड शिफ्ट की, तो 17 मई सेकंड शिफ्ट में जो वो एग्जाम होगा आपका इंटरमीडिएट का कंप्यूटर का होगा, उसके साथ आपका कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र और कृषि अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र इसका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें 18 मई को, तो 18 मई में पहली शिफ्ट में आपका हाई स्कूल में जो होगा वाणिज्य का एग्जाम होगा और आपका इंटरमीडिएट में आपकी जो भाषा आपकी पाली, अरबी, फारसी इनका एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें 18 मई की, तो आपका हाई स्कूल का सिलाई का एग्जाम होगा, वहीं पर आपका इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का एग्जाम होगा, ये आपका मुख्य पेपर है अंग्रेजी का, ठीक है, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम आपका 18 मई को होगा। उसके बाद बात करें हम 19 मई की, तो 19 मई में पहली शिफ्ट में 8 बजे जो से 11 बजे जो शिफ्ट है उसमें जो आपका हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा और बाकी इंटरमीडिएट का फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र, परिधान रचना, सज्जा, धुलाई, रंगाई जी आपके एग्जाम आपके पहले शिफ्ट में होगा।
ठीक है। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट की बात करें 19 मई की, तो 19 मई को जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो 2 बजे से जो एग्जाम होगा उसमें आपका इंटरमीडिएट का होगा, हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं, उसमें आपका इंटरमीडिएट में जो एग्जाम होगा आपका अधिकोषण तत्व बारिश वर्ग के लिए, उसके बाद कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र, उसके बाद कृषि जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न पत्र, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 20 मई की, तो 20 मई में प्रथम पाली में जो है आपका 8:15 में हाई स्कूल का जो कृषि का विज्ञान पेपर है, और आपका इंटरमीडिएट में गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी बारिश वर्ग के लिए इसका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट में 20 मई में आपका जो हाई स्कूल में होगा वो मानव विज्ञान रिटेल ट्रेडिंग, तो इसका एग्जाम होगा, उसमें आपका आईटी ऑटोमोबाइल्स आईटीआईएस हेल्थ केयर इसका एग्जाम होगा हाई स्कूल का। इसमें इंटरमीडिएट में आपका 20 मई का वो रसायन विज्ञान और इतिहास का पेपर होगा, ठीक है जी। आपका 20 मई का मेन पेपर है इसके बाद, तो इसमें आपका जो रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री का जो पेपर है इंटरमीडिएट का वो आपका 20 मई को। नेक्स्ट बात करें 21 मई की, तो 21 मई में आपका पहली शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट का है औद्योगिक संगठन का बारिश वर्ग के लिए, ठीक है। उसके बाद 21 मई को सेकंड शिफ्ट में हम देखें तो आपका सस्य विज्ञान, ठीक है, व्यावसायिक मानव विज्ञान कृषि अभियंत्र चतुर्थ प्रश्न पत्र और आपका कृषि पशुपालन और चिकित्सा विज्ञान इसके एग्जाम आपके होने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 22 मई की, तो 22 मई में प्रथम शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो विज्ञान का होगा, ठीक है, हाई स्कूल का, ठीक है। हाई स्कूल का जो आपका विज्ञान का जो पेपर है वो आपको 22 मई को होगा, और आपका इंटरमीडिएट का प्रथम शिफ्ट में मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र और तर्क शास्त्र। इसके साथ ही आपका 22 मई को सेकंड शिफ्ट में आपका जीव विज्ञान मेन पेपर है आपका, और आपका गणित ये आपका मेन पेपर है। तो कहने का मतलब इंटरमीडिएट का गणित और जीव विज्ञान का जो पेपर है वो आपका 22 मई को सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें हम 24 मई की, तो 24 मई प्रथम शिफ्ट में जो आपका हाई स्कूल का एग्जाम होगा वो उसमें होगा आपका गुजराती उर्दू, मतलब आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसी में आपका इंटरमीडिएट की बात करें तो कास्ट शिल्प ग्रत शिल्प सिलाई शिल्प खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र जो अभी आपके सब्जेक्ट है उन सब, अब बहुत से सब्जेक्ट है इसमें, तो आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है तो उसका एग्जाम आप दे सकते हैं, जो आपका 24 मई को होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में आपका 24 मई को जो एग्जाम होगा वो होगा आपका समाजशास्त्र का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 25 मई मंगलवार, तो 25 मई मंगलवार में जो आपका एग्जाम होगा प्रथम शिफ्ट में हाई स्कूल का गणित का होगा, और आपका इंटरमीडिएट में बीमा सिद्धांत और व्यावहारिक बारिश वर्ग के लिए। यहीं पर आपका सेकंड शिफ्ट की बात करें हम 2 बजे से, तो आपका आपका हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट का आपका अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 27 मई, तो 27 मई प्रथम शिफ्ट में आपका हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं, और इंटरमीडिएट के आपके फल खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान संरचना सज्जा धुलाई तो इत्यादि आपके पेपर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेकंड शिफ्ट में, तो इंटर हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आपका संस्कृत का पेपर होगा इंटरमीडिएट का, इसके साथ ही कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र जो होगा, कृषि विज्ञान दसम प्रश्न पत्र, ठीक है। तो अब बात करें 28 मई, तो 28 मई में आपका प्रथम शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं, क्योंकि आपके हाई स्कूल के जो एग्जाम है वो आपके 25 मई को ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रह जाते हैं आपके इंटरमीडिएट के, तो इंटरमीडिएट में आपका 28 मई में तो आपका मेन कोई पेपर नहीं बचा, मेन पेपर जो है वो आपके इंटरमीडिएट के ऊपर ही हो चुके हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका 28 मई को फल एवं खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान रचना सज्जा धुलाई तो वही आपके पेपर ऊपर है, वही आपके पेपर होंगे इसमें। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो 28 मई को होगा वो इंटरमीडिएट का नागरिक शास्त्र का पेपर होगा। तो हम आप देख लेते हैं मेन जो पेपर है वो आपके हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के कब कब होने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पेपर जो हिंदी का पेपर है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का वो होना है आपका 8 मई को, ठीक है, हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में और आपका इंटरमीडिएट सेकेंड शिफ्ट में होना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आपके मेन पेपर की, तो आपका है आप 12 मई को चित्रकला रंजन हाई स्कूल का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका सेकेंड शिफ्ट में आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा 12 मई को मेन पेपर में आपका हाई स्कूल का, ठीक है। उसके बाद जो आपका 13 मई है 13 मई को हाई स्कूल का संस्कृत का एग्जाम होगा जो आपका मेन एग्जाम है। उसके बाद हम हाई स्कूल के मेन एग्जाम वाला इंग्लिश की बात करें तो ये होगा आपका 17 मई को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद जो इंटरमीडिएट का जो आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा वो भी आपका 17 मई को होगा। उसके बाद बात करें मेन सब्जेक्ट की, तो आपका 18 मई को आपका इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का एग्जाम होगा, और वहीं पर आपका हाई स्कूल का अगर आपका मेन एग्जाम सामाजिक विज्ञान उसका वो जो पेपर होगा वो 19 मई को होगा, ठीक है। बात करें इंटरमीडिएट की मेन सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का जो और इतिहास का पेपर जो है वो 20 मई को होगा। और उसके बाद
अगर हम बात करें हाई स्कूल के जो विज्ञान का पेपर है वो आपका 22 मई को होगा, उसी के साथ आपका इंटरमीडिएट के मेन जो एग्जाम है आपका जीव विज्ञान और गणित वो भी आपको 22 मई को होगा, लेकिन वो सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद आपके मेन जो पेपर है वो देख लेते हैं, तो हाई स्कूल का जो गणित का पेपर है वो आपको 25 मई लास्ट पेपर होगा आपका हाई स्कूल का, ठीक है, तो गणित का सबसे लास्ट में है, और उसके बाद इसी दिन आपका भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट का मेन आपका सब पेपर होगा आपका 25 मई को, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल और आपके इंटरमीडिएट के परीक्षा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैंने बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिल गई होगी, अगर फिर भी कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वो एग्जाम आपका किस दिन होगा और किस डेट को होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय जय भारत।